ऐसी राधे दोस्तों, लखनऊ में स्थित इस्कॉन टेम्पल बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुंदर है राधा कृष्ण की जोड़ी। आइए आपको बताते हैं लखनऊ में ये इस्कॉन टेम्पल कहाँ है और यहाँ पर क्या सेवाएं चलती हैं। जय गौ माता की। जय श्री राधे दोस्तों, लखनऊ में लुलु माल के पास में बना है ये राधा रमण मंदिर यानी इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल लखनऊ में श्री श्री राधा रमण बिहारी जी का मंदिर है। देखिए समय गेट पे ही लिखा हुआ है, दोपहर 1 से 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। जब भी कभी आएँ तो दोपहर 1 से 4 के बीच ना आएँ। मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत ही सुंदर बहुत ही दिव्य नज़ारा है। और अंदर और भीतर जाएंगे तो श्री श्री राधा रमण बिहारी जी का गेट मिलेगा और इसी गेट के अंदर थोड़ा चलने के बाद आपको बिहारी जी के दर्शन होंगे। चारों तरफ एक बार मैं कैमरा घुमा करके आपको यहाँ का दृश्य दिखा देता हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही ग्रीनरी है पूरी तरफ, चारों तरफ आप जहाँ भी देखेंगे छोटे छोटे बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है। आइए प्रवेश करते हैं हम लोग मंदिर के अंदर। मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो ये इस तरीके से जो है आपको हरे कृष्णा कहते हुए मंदिर में आप प्रवेश करेंगे और मंदिर में आने के बाद जो है इस तरीके से जो है भगवान के आपको दर्शन होंगे। आप आइए और प्रभु के दर्शन करिए हमारे साथ। दोस्तों वीडियो स्किप मत करिएगा और वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। हरे कृष्ण कहते रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। थोड़ी देर की तो बात है, भगवान के दर्शन करते रहिए। कितने प्यारे कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे राधा कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मंदिर में परम पूज्य गुरुदेव के भी दर्शन कर रहे हैं आप, प्रभुपाद जी के दर्शन कर रहे हैं। जय गुरुदेव भगवान की, जय गुरुदेव भगवान की। मंदिर में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है, बहुत ही भक्तिमय माहौल है। यहाँ का संकीर्तन वाकई में आपको भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ाता है। यहाँ का संकीर्तन करते रहिए। देखिए श्री गुरु पूजा, गुरु जी की पूजा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री गुरु चरण पद्य। यहाँ पर आप इसको वीडियो को रोक के देख सकते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं राधा कृष्ण जी की जोड़ी, कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पर मंदिर की दीवारों पर बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर भगवान जी की छवि देखने को मिलेगी आपको। देखिए भक्ति वेदांत स्वामी गौशाला, ये गौशाला में सेवा देना हो तो ये आप देख सकते हैं। और ऐसा बनेगा मंदिर, बहुत भव्य मंदिर, बड़े भव्य मंदिर की तरफ आप जो मॉडल देख पा रहे हैं। ये पूरे मंदिर के अंदर का आप हॉल देखिए, कितना शांति प्रदान करने वाला, कितना भक्तिमय माहौल है इस्कॉन टेम्पल का। और दान करना है, अन्नदान सेवा होती है, गौ माता की सेवा होती है, बोर्ड लगा हुआ है। देखिए मंदिर के अंदर ही आप देखेंगे, बाहर निकलते हुए बाएं तरफ बहुत अच्छा एक काउंटर लगा हुआ है। यहाँ पे भगवान से संबंधित सामग्रियाँ आप खरीद सकते हैं, माला है, झोली है, भगवान के कपड़े हैं। बहुत अच्छी सी आप कह सकते हैं एक शॉप छोटी सी बनी हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग मंदिर के बाहर निकल रहे हैं। मंदिर के बाहर निकलते हुए आप देखिए बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर के दैनिक कार्यक्रम। मंगला आरती 4:30 बजे होती है, दर्शन आरती 7:30 बजे, श्रीमद् भागवत पाठ होता है, राजभोग आरती होती है, दोपहर विश्राम होता है, संध्या आरती होती है। सारी जानकारियाँ दोस्तों आप यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर के बाहर ही देखिए यहाँ पर एक स्टॉल भी लगा हुआ है जहाँ से आप भगवद गीता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आपको पता ही होगा दोस्तों, इस्कॉन के द्वारा समय समय पर फ्री अपकास्ट यानी मुफ्त भगवद गीता दान करी जाती है। भक्तिमय बनाया जाता है व्यक्ति को, भक्ति की ओर जो है अग्रसर किया जाता है। अब हम लोग गौशाला की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। देखिए मंदिर के बगल में ही बिल्कुल कितनी प्यारी गौशाला बनी हुई है और कितनी हष्ट पुष्ट गाय माताओं का आप दर्शन कर पा रहे हैं। आप देखिए मित्रों, एक बात आपको लग रहा है ना, सारी गाय एक ही रंग में है, सारी गाय एक रंग में है और कितना अच्छा लग रहा है। गाय कितने भाव से देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। जब भी कभी आप आए यहाँ पर तो एक बार आप गौशाला का दर्शन जरूर करें दोस्तों। 33
कोट देवताओं का वास होता है, देवी देवताओं का, गाय माता में। गाय हमारी माता है, ये हम सभी लोगों को गाय की सेवा करनी चाहिए। और दोस्तों मंदिर के बाहर आप इस तरह से देख सकते हैं, पूरा गार्डन लगता है, पूरा बगीचा है, बहुत सुंदर पार्क की तरह लगता है मंदिर के बाहर। जब आप आएंगे तो देखिए तो कितनी ग्रीनरी है, आप फुर्सत के पलों में यहाँ बैठ भी सकते हैं किनारे, और भगवान का ध्यान कर सकते हैं बैठ करके, माला जप सकते हैं अपना। श्री श्री राधा रमन बिहारी जी के दोस्तों दर्शन कर रहे हैं आप, देखिए कितने प्यारे प्यारे पुष्प यहाँ पे लगे हुए हैं। आइए आपको उस तरफ देखिए हम लेकर के चलते हैं, वहाँ मंदिर बन रहा है नया, आइए दिखाते हैं आपको ये लखनऊ का गौरव। हम मिलकर विश्व का भव्यतम मंदिर बना रहे हैं, यानी विश्व का भव्यतम मंदिर बनाने की ओर अग्रसर है यहाँ का इस्कॉन टेम्पल। देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह से मंदिर बन रहा है, मंदिर का भवन निर्माण चल रहा है यहाँ पर। इसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं, प्रभु की सेवा कर सकते हैं इस माध्यम से, मंदिर निर्माण के माध्यम से भी। और देखिए कितना सुंदर रास्ता बना हुआ है, मतलब मन को आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको वाकई बहुत पॉजिटिव वाइब्स तो आएंगी, जाहिर सी बात है आप मंदिर में, भगवान के मंदिर में। देखिए बाहर भी एक छोटा सा आपको शॉप दिख जाएगी, देखिए लिखा है मैचलेस गिफ्ट्स, आप किसी को गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे झोले हैं जो जप करते हैं माला रख के, जिसमें धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, और ये आप डोर पे प्रभुपाद जी का आप देख सकते हैं, कहीं भी भगवान के स्थान पे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी शॉप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। पूरा प्रांगण आप देख लिए दोस्तों, ऐसा दिखता है पूरा प्रांगण, बहुत ही सुंदर। एक बार ज़रूर आइएगा अगर आप लखनऊ रहते हैं तो, मेरा मानना एक बार ज़रूर आइए दोस्तों। कि आपको लगा हो कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ आपका ज्ञानवर्धन हुआ है तो प्लीज़ आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब ही करना होता है। आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को धर्म जिज्ञासा को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में जो भी जितने भी सिद्ध मंदिर हैं, सिद्ध स्थान हैं, सिद्ध संत हैं, जो गूढ़ रहस्य हैं हमारे सनातन धर्म के, वो आप तक पहुँचा सके। यदि आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो यूँ ही ये सफ़र जारी रहेगा। जय श्री राम, जय जय सीताराम, हर हर महादेव।